सनसनी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में जहां पर फिर एनकाउंटर हुआ है, लेकिन इसका ज्वेलरी शोरूम में लूट से कोई ताल्लुक नहीं है। पुलिस ने रेप किए एक युवक को एक युवती की हत्या के तीन आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। तीनों बदमाशों की पहचान सलमान, सरवर और जावेद के रूप में हुई है। उनके पैर में गोली लगी है। पुलिस ने तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया है। सुल्तानपुर के गोसाईगंज इलाके में 21 सितंबर को एक युवती का शव मिला था। पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो सामने आया कि रेप के बाद उसकी हत्या की गई थी। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, सर्वर की ये तस्वीर जहां पर एक युवती के साथ पहले रेप और फिर उसके कत्ल के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सलमान, सरवर और जावेद, ये तीन नाम हैं। देखिए, हाथ में पिस्टल भी दिखाई दे रही है, देसी कट्टा इनफैक्ट दिखाई दे रहा है। जितना गौर से आप देख पाएंगे, रेप के साथ साथ मर्डर के तीन आरोपी गिरफ्तार। जिस बाइक से ये लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, देखिए वो बाइक भी इस तस्वीर में दिखाई दे रही है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। देखिए, पांव में गोली लगी है। सुल्तानपुर में एक बार फिर से एनकाउंटर हुआ है। सलमान, सरवर और जावेद को गोली लगी है। इस एनकाउंटर के बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया, अस्पताल में इलाज जारी है। और शहनशाह पहले से ही इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस इस मामले में एक और आरोपी शहनशाह को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और बाकी तीन आरोपियों की तलाश की जा रही थी। कल पुलिस को मुखबिरों से तीनों बदमाशों यानी कि सलमान, सरवर और जावेद के बारे में इत्तला मिली। पुलिस ने जब अखंड नगर इलाके में उन्हें घेरा तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में तीनों के पांव पे गोली मारी और उसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सलमान को पीड़िता बहुत पहले से जानती थी और उसी के साथ ये मुंबई गई थी। वापस आने पर पुलिस ने इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, फिर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के पश्चात ये पुनः गायब हो गई और सलमान के साथ थाना गोसाईगंज क्षेत्र में पहुंची, जहां पर अन्य तीन अभियुक्तों ने सलमान की मदद की रुकने में और अन्य संसाधन उपलब्ध कराने में। वहीं पर सलमान से इसका शादी को लेकर के विवाद हुआ और पीड़िता ने दबाव बनाया कि मैं तुम चारों को जेल भिजवा दूंगी। इसके पश्चात इन चारों लोगों ने मिलकर के योजना बनाई और इसे रास्ते से हटाने का सोचा और दिनांक 20 सितंबर 2024 को इसकी हत्या कर दी। विवेचना के क्रम में शहनशाह की गिरफ्तारी हुई, जिसकी सूचना पर और मुखबिर की सूचना पर आज थाना अखंड नगर क्षेत्र में अन्य तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीमें लगाई गई थी, जहां पर पीछा करने के दौरान इन तीनों अभियुक्तों ने पुलिस पर फायर खोल दिया। जवाबी कार्रवाई में तीनों अभियुक्तों को गोली लगी है, जिन्हें गिरफ्तार करके प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है। दरअसल 21 सितंबर को पुलिस को गोसाईगंज इलाके में नहर के किनारे झाड़ियों से एक युवती के हाथ पांव बंधे हुए शव मिला था। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो सामने आया कि मृतक कादीपुर थाना क्षेत्र के गांव के रहने वाली है। उसकी सलमान के साथ जान पहचान थी और इसी के साथ वो मुंबई चली गई थी, फिर वो गोसाईगंज में वापस आ गई थी। यहाँ पर सरवर, जावेद और शहनशाह ने सलमान की मदद की, पीड़ित के साथ संबंध बनाए, फिर शादी को लेकर पीड़ित का सलमान के साथ विवाद हुआ। पीड़ित ने जब चारों को जेल में बंद कराने की धमकी दी तो उन्होंने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची, रेप के बाद उसका मर्डर कर दिया।